हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पुदीना की चटनी बनाना बताऊंगी, वो भी बिल्कुल ग्रीन रहेगी सीक्रेट टिप्स के साथ। तो उसके लिए मैंने ले ली है पुदीना, और जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है और एकदम फ्रेश पुदीना है, उसके एक एक पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं। और ये है हरा धनिया, जिसको मैंने धो के और रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि इसे हमको पीसना है। तो आप डंडी सहित ही उसको तोड़ लें। और हरी मिर्ची ले ली है मैंने, लहसुन और जीरा, इन सारी चीजों को ग्राइंडिंग जार में डालकर बहुत बढ़िया सी चटनी बना लेना है आपको। और आपको चटनी में जो मैं टिप्स बताऊंगी उसको ध्यान से देखना है। अगर आप 15 दिन तक भी स्टोर करके रखेंगे चटनी को, तो पुदीना की चटनी आपकी बिल्कुल भी काली नहीं होगी। मैंने डाल दिया है नमक, और ये जो मैंने धनिया के पत्ते लिए हैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और आप लोग अगर इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखेंगे, तो आप 15 से महीनों तक इस चटनी को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं बिना रंगत खराब किए। और मैंने डाल दी है चीनी, और ये है दही। तो यही मेरी सीक्रेट टिप्स है कि इसमें थोड़ी सी चीनी और दही हम इसमें ऐड कर देंगे, तो चटनी बिल्कुल भी काली नहीं होगी। और अगर आपके पास दही नहीं है तो आप लेमन जूस ले लें, और लेमन जूस भी नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें विनेगर ऐड कर दें, तो पुदीना की चटनी हमारी बिल्कुल भी काली नहीं होगी। और जो हम हलवाई वगैरह के यहाँ खाते हैं ग्रीन चटनी, सेम वही चटनी बन जाती है, उनकी भी चटनी कभी आपको काली दिखाई नहीं देती है। तो इसी सीक्रेट टिप्स के साथ समोसे की चटनी बनाते हैं, कचौड़ी, और चटनी के बिना तो हमारी सारी रेसिपीज बिल्कुल अधूरी होती हैं। तो चटनी ही अगर अच्छी नहीं है तो और कुछ खाने का मन नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक कर देना। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।